नागपुर अपराध शाखा पुलिस ने जामदार स्कूल बस के ड्राइवर को एटीएम लुटने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कूल बस का ही ड्राइवर रहने से इस मामले के बाद बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यातायात विभाग के पुलिस आयुक्त चिन्मय पंडित ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी दोषी बस चालक मालिक और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही। नागपुर अपराध शाखा पुलिस ने विभिन्न बैंक के 7 एटीएम फोड़कर 50 लाख लूटने वाले आरोपी जगदीश पापरी को 4 जनवरी को गिरफ्तार किया था और आरोपी और कोई नहीं स्कूल बस का ड्राइवर निकला। इस मामले की बात से स्कूल बस और वैन से स्कूल में आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेकर यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने सभी स्कूल बस चालक मालिक और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह गंभीर घटना है, बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि स्कूल बस पर कौन सा ड्राइवर है, उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक है या नहीं। इसके बाद अभिभावकों ने भी ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा कौन से बस या वैन से स्कूल जाता है, उस बस में कौन चालक है और बस मालिक है। देखिए, जो स्कूल बस का ड्राइवर था और जिसके ऊपर काफ़ी ऑफेंसेस दर्ज हुए थे, तो ये बहुत ही गंभीर घटना है। मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बच्चों के जो सिक्योरिटी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है कि स्कूल के बस में कौन ड्राइवर्स हैं, तो उनके जांच पड़ताल होनी ज़रूरी है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने ज़रूरी है। उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि अपने बच्चों को कौन सी बस में जा रहे हैं अपने बच्चे, उस बस के ड्राइवर कौन है, उसके कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये उनका हम बच्चों को सही जगह पे सही बसेस में तो उनको ट्रैवल करने का वो कर रहे हैं। और ये उतनी यंत्रणाओं की भी जिम्मेदारी है कि उसमें मुहिम लेकर सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए और जो इलीगल है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने गए साल में और इस साल में भी बार बार ये मुहिम लेते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे लोगों पे हमने कार्रवाई भी की है और इसके आगे भी हम लोग इस घटना से सीख लेकर आगे भी हम लोग इस तरीके की मुहिम हम लोग लेंगे। आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग चेकिंग्स और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये काम करेंगे। देखिए, ऐसा है, नोटिस का तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस केस में क्या है, लेकिन मुहिम में हमें जो लोग वॉयलेशन करते हुए मिलेंगे उनके ऊपर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने बताया कि यंत्रणाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक मुहिम लेकर सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। उन्होंने बताया कि हर साल ऐसी मुहिम लेते हैं, इस साल भी मुहिम लेकर संबंधित लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई होगी। जैसे मैंने कहा, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब इस पर्टिकुलर केस के डिटेल्स को एक बार देखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम लोग, अभी तक हमारे पास में ऑफिशियली तो कुछ उसमें आया है नहीं, लेकिन इस घटना को हम इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके हम लोग ऐसी मुहिम प्लान कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग स्कूल्स के बाहर ऐसी जो स्कूल बसेस हैं, स्कूल वैन्स हैं, उसको हम लोग चेक करेंगे। स्कूल ड्राइवर आरोपी वाले मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस ने सभी के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह बिल्कुल सही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।